अच्छा बेटा, आज का जो टॉपिक है वो वैसे लास्ट टॉपिक है इंटर का, और सिलेबस भी केमिस्ट्री का आपको पता है, आपने देखा होगा, बिल्कुल ही सेम रहा है। इंटर के सिलेबस में तो कोई चेंज ही नहीं है। अब फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैंने गौर से नहीं देखा है कि कोई टॉपिक अगर कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। चैप्टर तो वही सेम ही है, चैप्टर सेम है, बगैर टॉपिक देखना पड़ेगा कि कोई टॉपिक कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, मगर इंटर का सिलेबस बिल्कुल ही उन्होंने सेम रखा है। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक है ये एंजाइम, और ये एंजाइम ये सेम आपको बताया कि इनके अंदर जो ज्यादा डिटेल में है वो बायो के अंदर भी दिया गया है। मतलब बायो का जो सिलेबस अभी इन्होंने रिड्यूस किया है ना, और भी कम किया है, उसके अंदर भी एंजाइम को उन्होंने रखा है इसके अंदर। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कोई कमी कोताही रहेगी तो वहां से आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक, एंजाइम के बारे में देखो बेटा, एंजाइम एंजाइम जो लफ्ज है, इनका मतलब होता है इन, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। क्योंकि एंजाइम को पहले जो डिस्कवर किया गया था वो यीस्ट में डिस्कवर किया गया था। देखो, एंजाइम जो पहले डिस्कवर हुआ था वो था जाइमेज। बेटा, जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो था जाइमेज, और जाइमेज आपको पता है यीस्ट सीक्रेट करता है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना इनके जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस, फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, अच्छे दोनों बेटा रिएक्शन जो है, फर्मेंटेशन स्टार्च और मोलेसिस, दोनों उनके अंदर जो एंजाइम कैटलिस्ट होते हैं, और वो एंजाइम सीक्रेट कौन करता है? यीस्ट। तो ये जो एंजाइम लफ्ज है, इसका मतलब है कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो इनको डिस्कवर किया गया था यीस्ट के अंदर फर्स्ट टाइम, और वो था जाइमेज, इसलिए इसका नाम भी एंजाइम पड़ गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको पता है एंजाइम बायो कैटलिस्ट हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, और दे मॉडिफाई द स्पीड ऑफ रिएक्शन। ये स्पीड ऑफ द रिएक्शन को मॉडिफाई कर देते हैं, स्पीड ऑफ द रिएक्शन को चेंज कर देते हैं बाय चेंजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करके, ये जहन में रखना, क्योंकि कैटलिस्ट वाले वैसे जो जनरल अपने कैटलिस्ट के टॉपिक पढ़ाएं अब पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें भी कैटलिस्ट है ये 8वें चैप्टर के अंदर। तो बेटा कैटलिस्ट का वहां भी डेफिनेशन यही है कि कैटलिस्ट चेंज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को कैटलिस्ट चेंज करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, रिएक्शन के पाथ को चेंज करता है। इसका मतलब है जो एक रिएक्शन है उसके मुख्तलिफ रूट होते हैं। देखो, अब कहीं हम जगह जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ रास्ते होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और कोई ऐसा रास्ता भी होता है जो शॉर्टकट होता है। तो एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को उसी पाथ से लेकर जाता है जो शॉर्टकट होता है, और जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, और रिएक्शन जल्दी हो जाता है। अब देखो, एक्टिवेशन एनर्जी है क्या बेटा? ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्चुअली जो रिएक्टेंट है बेटा, जो रिएक्टेंट है उनकी जो एवरेज इंटरनल एनर्जी होती है, जो रिएक्टेंट की एवरेज इंटरनल एनर्जी, या हम कहते हैं सबस्ट्रेट, क्योंकि एंजाइम एक्ट करता है सबस्ट्रेट के ऊपर, तो सबस्ट्रेट की जो एवरेज इंटरनल एनर्जी होती है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होती है, वो ट्रांजिशन एनर्जी से कम होती है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा एनर्जी उनको चाहिए होती है। उस एक्स्ट्रा एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और वो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी लो होगी उतना रिएक्शन फास्ट होगा। देखो बेटा, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी उतना रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। देखो, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा इस तरह का, देखो ठीक है, ये रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट बोल दो या सब्सट्रेट बोल दो, उसकी एवरेज इंटरनल एनर्जी है ये, और ये है, इसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, या आप कह दो ट्रांजिशन एनर्जी। बेटा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह दो, या ट्रांजिशन का मतलब है यहां के बाद कुछ कंपाउंड प्रोडक्ट में तब्दील होगा। ठीक है, तो ये होगा कि रिएक्टेंट को और ये प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्टेंट है उसको इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए,
अब देखो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है बेटा, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है। सपोज करते हैं 10 है, 20 है, 30 जूल है, और प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको चाहिए 100 जूल। देखो ये सपोज करते हैं ये 100 जूल है, और जो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है वो 30 जूल है। अब देखो गैप कितना है, देखो रिएक्टेंट की अपनी जो एवरेज एनर्जी है वो 30 जूल है, मगर 30 जूल से प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। देखो बेटा 30 जूल से प्रोडक्ट नहीं बनेगा जब तक एनर्जी 100 जूल के बराबर नहीं होगी। तो अब देखो कितना गैप है, रिएक्टेंट को और कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए और कितना उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा। तो ये 30 है बेटा, और यहाँ देखो 100 है, इसका मतलब है 70 जूल का गैप है बीच में। तो उसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, ये जो गैप है इसी एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा ये जो डिफरेंस है एनर्जी का, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं 90 जूल तकरीबन, और 70 जूल, 70 जूल एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तब जाकर प्रोडक्ट बनेगा। अगर उसे कम एनर्जी मिलेगी तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अब कैटलिस्ट क्या, सॉरी एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम उसी एनर्जी को कम करेगा, एंजाइम क्या करेगा उसी एनर्जी को क्या करेगा, लो करेगा, ठीक है, लेस कर देगा। क्योंकि रिएक्शन का पाथ को चेंज करेगा, जो एंजाइम है वो रिएक्शन के पाथ को चेंज करेगा। अब देखो एक्टिवेशन जी लो हो गई, अब ये एक्टिवेशन जी यहां तक ये कम हो गई है बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है जो बिल्कुल ही कम हो गई है। ठीक है, इतनी पहले ज्यादा थी, इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट या इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम ज्यादा थी एनर्जी, मगर एंजाइम की मौजूदगी में वो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जो एंजाइम है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। कल भी आपको मैंने बताया था कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है, प्लैटिनम है, आयरन है, या दो और भी इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, अगर रिएक्शन को डिफरेंट जो कैटलाइज करें, मतलब डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करें रिएक्शन के लिए, अगर एक रिएक्शन है उसके लिए हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक भी यूज करते हैं और एंजाइम भी यूज करते हैं, तो एंजाइम जो होता है उन सारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से ज्यादा एफिशिएंट होता है और एक्टिवेशन जी को लो कर देता है। ठीक है, अच्छा तो अब आते हैं एंजाइम है क्या। बेटा एंजाइम प्रोटीनस नेचर होते हैं, प्रोटीन के वाली नेचर रखते हैं, मतलब एंजाइम जो है वो प्रोटीन वाली नेचर रखते हैं। मगर हम बोलें कि सारे एंजाइम प्रोटीन है, ये भी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो प्रोटीनस नेचर के नहीं होते। बेटा कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं, राइबो एंजाइम जो होता है, ठीक है, राइबो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटीनस नेचर का नहीं होता, मतलब कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो प्रोटीनस नेचर के नहीं है। मगर ज्यादातर हम मेजॉरिटी कहते हैं, हम कहते हैं 99% या 90% जो एंजाइम का है वो समझे प्रोटीनस नेचर रखता है, इसलिए एंजाइम को कहा जाता है वो प्रोटीनस नेचर के हैं, एंजाइम प्रोटीन है कहा जाता है इसे। और आपको पता है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा एंजाइम को वही चीजें इफेक्ट करेंगी, बेटा एंजाइम को वही चीजें इफेक्ट करती हैं जो प्रोटीन को इफेक्ट करती हैं, जैसे ज्यादा हीट देने से प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, ज्यादा हीट देंगे तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, तो एंजाइम भी यही है कि ज्यादा हीट देंगे, एक्सेस हीट देने से वो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है। तो एंजाइम की बेटा कंडीशंस हैं जिन पे वो काम करता है, ठीक है, एक तो इसकी स्पेसिफिक पीएच होती है, एक पर्टिकुलर पीएच होती है उस पे वो पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है वर्क करता है। जैसे पेप्सिन है बेटा, पेप्सिन जो एंजाइम है ये डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम है, पेप्सिन प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक जूस से सीक्रेट होता है पेप्सिन। अच्छा तो पेप्सिन जो है वो हायर कंसंट्रेशन पे काम करता है, हायर एसिडिक मीडियम में काम करता है। बेटा उसके लिए हायर एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है। अच्छा वो एसिडिक मीडियम उसको कौन प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और उसको एक्टिवेट करता है। तो पेप्सिन के लिए जो पीएच है बेटा, पेप्सिन की जो पीएच है 1 से लेकर 2 तक है, 1 से लेकर 2 तक, इस पे आप उसकी जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। उसके बाद है ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन जो एंजाइम है उसके लिए वो एक्टिवेट होता है अल्कलाइन मीडियम पे, स्लाइट अल्कलाइन मीडियम पे। उसके लिए जो
एक्टिवेशन के लिए जो पीएच है वो 8 से 9 होती है ट्राइप्सिन की, ठीक है। तो इस तरह जो सिलेवरी अमाइलेज है बेटा, सिलेवरी अमाइलेज ये भी स्लाइट अल्कलाइन मीडियम, स्लाइट जो है वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं स्लाइट, ठीक है, नियर टू 7 उनकी पीएच होती है, वो नियर टू 7 होती है तब वो वर्क करता है। जो सिलेवरी अमाइलेज है, जो सिलेवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस सीक्रेट होते हैं, तो इसका मतलब है जो एंजाइम है उनकी पर्टिकुलर पीएच होती है और वो पर्टिकुलर पीएच पे अपना ज्यादा वर्क शो करता है। अच्छा, उसके बाद उनका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी होता है, एंजाइम का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर भी है जिस पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है। बेटा वो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो समझे कि उसके लिए मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसपे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम। मगर 30 से लेकर 40 तक कह सकते हो, 30 से लेकर 40 तक जो टेम्परेचर है उस पे एंजाइम जो होता है वो मैक्सिमम वर्क करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी होती है। अगर टेम्परेचर कम होगा से, टेम्परेचर से लो होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी लो हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एंजाइम डी नेचर नहीं होगा, ठीक है, मगर वो इनएक्टिव हो जाएगा। डी नेचर नहीं होता मगर इनएक्टिव होता है, लो टेम्परेचर पे एंजाइम बेटा डी नेचर नहीं होता, डी नेचर होता हाई टेम्परेचर पे, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इनएक्टिव बन जाता है, इनएक्टिव बनता जाता है जितना टेम्परेचर लो करते जाएंगे। अगर टेम्परेचर 40 से बढ़ेगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, इसका मतलब है लो टेम्परेचर भी एंजाइम की एक्टिविटी लो होती है। बेटा जो टेम्परेचर लो करेंगे कम करेंगे, अगर 30 से कम टेम्परेचर होगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, अगर टेम्परेचर 30 से बढ़ेगा वो 40 से बढ़ेगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी कम होगी, डिक्रीज होगी। मगर वहां पे क्या होगा, जितना जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो एंजाइम जो होता है वो डी नेचर हो जाता है। सपोज करते हैं हमें ज्यादा फीवर आ जाता है, तो बेटा ज्यादा फीवर जो होता है ना वो भी अब किस्म का नुकसान देता है हमें, हमारी बॉडी को, क्योंकि जो हमारे एंजाइम होते हैं वो डी नेचर हो जाते हैं ज्यादा फीवर से, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से। तो ये था इसका ऑप्टिमम बेटा टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है बिटवीन 30 to 40 है, मगर 37 समझे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका, मगर रेंज जो बताई गई है बुक में वो 30 से 40 की है। अच्छा, उसके बाद है सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। बेटा सब्सट्रेट कंसंट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है एंजाइम की एक्टिविटी में, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है, और दूसरा एंजाइम की कंसंट्रेशन भी है, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन और दूसरा एंजाइम की कंसंट्रेशन। अब देखिए सपोज करते हैं अगर 100 एंजाइम मौजूद हैं, ठीक है, और सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल 2 या 3 हैं तो वो तो जल्दी रिएक्ट कर लेंगे। बेटा देखो क्योंकि सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल 2-3 हैं और उसके लिए एंजाइम कितने मौजूद है 100 हैं, तो जैसे सब्सट्रेट की तादाद बढ़ती जाएगी वो एंजाइम के साथ अटैच होते जाएंगे, एंजाइम के साथ अटैच होते जाएंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा, एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद मजीद नहीं बढ़ेगा। क्यों बेटा, एक देखो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा क्योंकि जैसे सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल आते जाएंगे एंजाइम के साथ अटैच होते जाएंगे, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा और प्रोडक्ट बनता जाएगा। मगर देखो बेटा, देखो एंजाइम 100 है, अगर सब्सट्रेट 100 से ऊपर चले गए, 100 से ज्यादा आगे सब्सट्रेट, उसका मतलब है तो एंजाइम सिचुएशन हो जाएगी, मतलब जितने बेटा एंजाइम थे उतने ही सब्सट्रेट आ गए, अब मजीद अगर सब्सट्रेट आएंगे तो उसके लिए एंजाइम तो वेकेंट होंगे ही नहीं, अगर कोई एंजाइम खाली होगा उसके बाद सब्सट्रेट के साथ वो अटैच होगा, क्योंकि एंजाइम आपको पता है कि आखिर में अनयूज रहते हैं, रिएक्शन को पाए तकमील तक पहुंचाने के बाद वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। मगर शर्त यह है कि बेटा जैसे ही एंजाइम की सेचुरेशन हो जाएगी, अब एंजाइम 100 और सब्सट्रेट आते जाएंगे एंजाइम के साथ अटैच होते जाएंगे, मगर एक ऐसी लेवल आएगी जहां पे एंजाइम तो खाली होंगे ही नहीं, एंजाइम की सेचुरेशन हो जाएगी, तो मजीद जो एक्स्ट्रा सब्सट्रेट होगा उसको वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा कि एंजाइम सपोज करते हैं खाली हो जाकर उसके साथ वो कंबाइन होगा। तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन शुरू तक कुछ बढ़ता है, बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा मगर आखिर में कांस्टेंट हो जाएगा। और वैसे भी आपने पढ़ा है कि इनमें केमिकल काइनेटिक्स में कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो शुरू में बढ़ता है,
बाद में स्लो हो जाता है, बाद में क्या हो जाता है स्लो, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जैसे सब्सट्रेट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, सब्सट्रेट एंजाइम के साथ अटैच होते जाएंगे, मगर एक ऐसी टाइम आएगा जो एंजाइम की जो सेचुरेशन होगी वो समझे कि मैक्सिमम हो जाएगी और कोई एंजाइम वेकेंट होगी नहीं। फिर उसके बाद ये होगा जितने एंजाइम खाली तो होते जाएंगे उतने वो सब्सट्रेट के साथ अटैच हो जाएंगे, मगर उनकी तादाद क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी उसके बाद। ठीक है, अब देखो यहां बात एंजाइम की भी है। अगर एंजाइम की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी बेटा, अगर एंजाइम की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम की कंसेंट्रेशन से भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा एंजाइम होंगे उनको वो ज्यादा सब्सट्रेट के साथ कंबाइन हो सकते हैं, ज्यादा एंजाइम होंगे तो सब्सट्रेट ज्यादा के साथ कंबाइन हो सकते हैं। अच्छा, यहां एक बात जो दूसरी इफेक्ट करती है, देखो जब ये सारे जो एंजाइम है बेटा ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मतलब ये जो हम पढ़ते हैं क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो हम क्या करते हैं, हम ठंडा पानी पी लेते हैं, खाने के साथ ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा पानी पीने से भी उनकी जो कैटलिटिक इफेक्ट, मतलब जो उसकी एक्टिविटी होती है वो स्लो हो जाती है। या गर्म खाना खा लेते हैं, गर्म खाना खाने से भी क्या हो जाते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है खाना हमें जो खाना चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे खाना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एंजाइम वर्क कैसे करते हैं, ये जो बेटा एंजाइम है ये वर्क किस तरह करते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने बायो के अंदर पढ़ा होगा बेटा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होती है, सिंथेसिस भी होती है। देखो मेटाबॉलिज्म में दोनों चीजें होती हैं, मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन भी होती है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन भी होती है और सिंथेसिस भी होती है, ब्रेक डाउन भी होगी और सिंथेसिस भी होती है मॉलिक्यूल्स की, मतलब जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं हैवी मॉलिक्यूल्स हैं वो टूटते हैं और नए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनके जगह बनते भी हैं। अच्छा, तो इनमें दो टाइप के हैं, एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म। बेटा एक कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होगी, जो मेटाबॉलिज्म है उनकी दो टाइप हैं। मेटाबॉलिज्म को अगर फर्दर क्लासिफाई करें, फर्दर उसकी जो तकसीम है दो टाइप की है, एक है कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में बेटा ब्रेक डाउन होती है, बड़े जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। जैसे रेस्पिरेशन का सिस्टम है हमारा, रेस्पिरेशन में आपको पता है ग्लूकोज की कंबशन होती है, ग्लूकोज की कंबशन होती है, तो ये कैटाबॉलिज्म है, बोला ग्लूकोज की कंबशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, वाटर बन रहा है और एनर्जी भी रिलीज हो रही है, तो ये कैटाबॉलिज्म है जिसमें ये जो है ग्लूकोज की कंबशन होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, वाटर बनता है। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है बेटा, एनाबॉलिज्म में क्या होती है, सिंथेसिस होती है, छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, जिस तरह फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो एक दूसरे का अपोज हो गए। अच्छा, वहां ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है एनाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से, और रेस्पिरेशन में ग्लूकोज की कंबशन हो रही है, एक जगह से एनर्जी रिलीज हो रही है और दूसरी जगह एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तो कैटाबॉलिज्म में एनर्जी रिलीज होती है और एनाबॉलिज्म में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। एक्चुअली वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है वो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड जो है बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड की फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो अच्छा, अब देखो एंजाइम किस तरह वर्क करता है। तो बेटा एंजाइम के लिए कुछ मॉडल्स दिए गए हैं, एक लॉक और की मॉडल है, लॉक और की। लॉक और की का मतलब है जैसे स्पेसिफिक ताले के लिए, देखो ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी होती है, पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी होती है, अगर दूसरी उसके अंदर लगाएंगे तो वो लगेगी नहीं, क्योंकि इसकी जो इंटरनल शेप है, जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो उस चाबी से क्या करता है, मैच करता है। ताले का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस की से क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, और वो की उसके अंदर फिट हो जाती है, उसके बाद ही उसको खोलती है। तो एक ये मॉडल दिया गया है कि स्पेसिफिक, ये मतलब ये जो की एंड जो लॉक मॉडल है ये बताता है कि एंजाइम की नेचर स्पेसिफिक है। बेटा ये एंजाइम की नेचर क्या है, स्पेसिफिक नेचर रखते हैं एंजाइम, मतलब प्रोटीज एंजाइम जो है वो प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करेगा और कार्बोहाइड्रेट्स की हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा, लिपिड की हाइड्रोलाइसिस नहीं करेगा। जो लिपेज एंजाइम है वो सिर्फ लिपिड के लिए ही है, वो लिपिड के लिए स्पेसिफिक है और को वो कैटलाइज नहीं करेगा।
ठीक है। तो इसमें एक बेटा ये मॉडल दिया गया है, लॉक और की मॉडल। सबको पता है ये एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम है बेटा, और ये है सब्सट्रेट। ठीक है, ये क्या है, सब्सट्रेट है। और ये एंजाइम जो सब्सट्रेट है वो एंजाइम के अंदर देखो फिट हो जाता है। और बनाता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। इधर देखो क्या बन गया, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये सब्सट्रेट कैटलाइज होगा बेटा। सब्सट्रेट क्या होगा, कैटलाइज हो जाएगा। और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा, ये किसमें तब्दील हो गया, प्रोडक्ट में। देखो ये सब्सट्रेट टूट गया है, मतलब ठीक है डिसोसिएट होगा, कुछ भी हुआ, प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, क्योंकि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट में तब्दील हो गया ये। अच्छा उसके बाद ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ये प्रोडक्ट जो होगा वो रिमूव हो जाएगा, एंजाइम खाली हो जाएगा बेटा। एंजाइम जो है, चलो इधर मैं बना लेता हूं, इधर एंजाइम खाली हो जाएगा और प्लस में ये प्रोडक्ट बन गया। ये प्रोडक्ट बन गया और ये एंजाइम अलग हो गया, क्योंकि आपको पता है आखिर में जो एंजाइम है वो रिएक्शन से अलग हो जाते हैं, अनयूज रहते हैं। अगर सपोज करते हैं एंजाइम जितने मौजूद होंगे बेटा, रिएक्शन के पाए तकमील तक उतने ही रहेंगे, क्योंकि एंजाइम यूटिलाइज बेटा नहीं होगी। जिससे आपने पढ़ा का कैटलिस्ट जो होते हैं वो यूटिलाइज नहीं होते हैं, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो अनयूज रहते हैं, ठीक है। तो एंजाइम भी इस तरह ही है, एंजाइम भी क्या है, इस तरह ही है कि बिल्कुल वो अनयूज होते हैं, चेंज नहीं होते प्रोडक्ट में। तो एक तो बेटा ये लॉक और की मॉडल, लॉक और की मॉडल में है कि जो एंजाइम है, एंजाइम ठीक है, पर्टिकुलर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर, मतलब पर्टिकुलर सब्सट्रेट के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होते हैं और रिजिड होते हैं, फिक्स होते हैं, मतलब वो जो सब्सट्रेट होगा वो इसके अंदर फिट हो पाएगा और जो सब्सट्रेट होगा इसके अंदर फिट नहीं हो पाएगा। मतलब एक जो सब्सट्रेट है वो पर्टिकुलर सब्सट्रेट होते हैं जो उसके अंदर एंजाइम के अंदर फिट हो पाएंगे, रिजिड होता है फिट होते हैं, बाकी जो सब्सट्रेट है वो इसके अंदर फिट नहीं हो पाएंगे। लॉक और की मॉडल है। अच्छा किस हद तक ये सही भी है, क्योंकि ये एंजाइम की स्पेसिफिक नेचर को शो करता है। मगर एक और मॉडल भी आया, वो था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है कि जो सब्सट्रेट है उसका शेप, सब्सट्रेट का शेप एंजाइम से मैच नहीं करता, ठीक है, मगर जब एंजाइम सॉरी सब्सट्रेट उसके क्लोज आता है और तो एंजाइम को इंड्यूस करता है, वो मजबूर करता है, मतलब जो सब्सट्रेट है वो एंजाइम को मजबूर करता है कि अपनी शेप बदल दे। मतलब जो सब्सट्रेट है जब एंजाइम के साथ अटैच होगा तो वो क्या करता है, एंजाइम को इंड्यूस करता है, इंड्यूस करता है कि अपनी शेप को बदल दे। तो एंजाइम क्या करता है, अपनी शेप को बदल देता है और एंजाइम जो सब्सट्रेट होता है वो एंजाइम के अंदर फिट हो जाता है, उसके बाद रिएक्शन को कैटलाइज करता है वो। तो ज्यादातर मतलब ये जो डेफिनेशन है
ठीक है, ये जो इंड्यूस फिट मॉडल वाली, ये ज्यादातर काबिल कबूल है, वो भी है अपनी जगह पे, मगर जो ज्यादातर काबिल कबूल डेफिनेशन है कि भाई इंड्यूस फिट मॉडल, इंड्यूस फिट मॉडल का मतलब है जब सबस्ट्रेट एंजाइम के करीब आएगा, ठीक है, सपोज करते हैं इस तरह है, ये एंजाइम है और ये सब्सट्रेट है, ठीक है, हालांकि ये फिट तो पूरा नहीं आएगा, मगर जब ये कंबाइन होंगे आपस में, कंबाइन होने के बाद इसका स्ट्रक्चर इस तरह का बन जाता है, ठीक है, मतलब वो उसके अंदर फिट हो जाता है। तो जो सब्सट्रेट है वो समझे एंजाइम को मजबूर करता है, इंड्यूस करता है कि वो अपनी शेप बदल दे ताकि वो उसके अंदर फिट हो जाए और उसके बाद रिएक्शन को कैटलाइज करेगा वो। तो दो दूसरी थ्योरी है ये, और ये ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है। तो कुछ पॉइंट्स इसके अंदर बेटा फेडलर की बुक के अंदर भी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपको पॉइंट्स इसके अंदर पढ़ा दूं। हो सकता है कुछ पॉइंट्स रह गए हों जो मैंने नहीं पढ़ाई हूँ आपको, वो इसके अंदर आएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। अब देखो ये डेफिनेशन एंजाइम की जो मैंने आपको बताई दी थी, और इसके अंदर देखो बिल्कुल सेम बात होगी, को हो सकता है एक्स्ट्रा बात होगी तो मैं आपको बता दूंगा इसके अंदर। तो ये कहता है एंजाइम जो है ग्रीक वर्ड है, इनका मतलब होता है बेटा, इन का मतलब होता है इन होता है, और जाइम का मतलब होता है यीस्ट। जाइम का मतलब क्या है? यीस्ट है। तो इसका मतलब है इनको फर्स्ट मतलब यीस्ट के अंदर डिस्कवर किया गया था, और वो कौन सा एंजाइम था? जाइमेज। तो पहला एंजाइम जो दरियाफ्त हुआ था वो था जाइमेज बेटा, फर्स्ट एंजाइम जो दरियाफ्त हुआ था वो था जाइमेज इन यीस्ट। और जाइमेज किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेफिनेशन एंजाइम के बारे में कहता है एंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। पढ़ा है आपने कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऊपर डेफिनेशन। तो एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट, बायोकैटलिस्ट हैं व्हिच अल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो अल्टर कर देते हैं स्पीड ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। बेटा एंजाइम कैटलिस्ट हैं जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर देते हैं? अल्टर कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब एंजाइम कैटलिस्ट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। अच्छा, उसके बाद है एंजाइम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, और उनका एक्शन अलग अलग होता है, उनका एक्शन में अलग अलग है, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं बेटा स्पेसिफिक होते हैं, हर एंजाइम का अपना अलग एक्शन होता है, हर एंजाइम की अलग पीएच होती है जिसपे वो वर्क करता है। सेंसिटिव टूवर्ड्स टेम्परेचर, सेंसिटिव है टेम्परेचर से। बताया था आपको मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन है और पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। मतलब अगर पेप्सिन को आप एसिडिक मीडियम प्रोवाइड नहीं करेंगे, हायर एसिडिक मीडियम, तो वो लोअर एसिडिक मीडियम पे काम नहीं करेगा, अल्कलाइन मीडियम पे काम नहीं करेगा पेप्सिन। ऐसे ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन जो होता है जो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेगा। अब देखो एक चीज और बता दूं, जब हम खाना खाते हैं तो जो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, जो सिलेविया सीक्रेट करते हैं, उसके अंदर एंजाइम होता है अमाइलेज, ठीक है, या टाइलिन, वो फूड के साथ मिक्स हो जाता है, फूड के साथ मिक्स हो जाता है, और कहां चला जाता है? वो स्टमक में जाता है, स्टमक में वो काम ही नहीं करता। वो एंजाइम मौजूद होता है मगर स्टमक में वो काम करता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एंजाइम को चाहिए लोअर एसिडिक कंसंट्रेशन, लोअर एसिडिक मीडियम, या न्यूट्रल समझे, स्लाइट अल्कलाइन, स्लाइट एसिडिक मीडियम चाहिए, स्लाइट एसिडिक मीडियम चाहिए, जबकि स्टमक में क्या है? ज्यादा एसिडिक मीडियम है। ज्यादा एसिडिक मीडियम की वजह से वो काम ही नहीं करता, इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टमक में होती नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टमक में होती नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका रीजन यही है। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कहाँ पे होती है? इंटेस्टाइन में होती है।
वो अल्कलाइन मीडियम होता है अमाइलेज के लिए, वो काम करता है वहां, तो बेटा पर्टिकुलर पीएच पे वो काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद रोल क्या है एंजाइम का? बेटा आपको पहले बताया था कि मेटाबॉलिज्म जो है एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लिविंग जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ग्रोथ होता है, ग्रोथ और मेंटेनेंस होता है, जो बॉडी के सिस्टम, जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस भी होती है। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म में मैंने आपको बताया दो चीजें होती हैं बेटा। मेटाबॉलिज्म में देखो, मेटाबॉलिज्म में एक होती है एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और दूसरा होती है कैटाबॉलिज्म। अच्छा, दोनों का आपको पता होगा। एनाबॉलिज्म बेटा, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है, मतलब कंपाउंड जो होता है वो जो प्रिपेयर होता है सिंथेसिस होती है, फॉर्मेशन होती है, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होती है, और ये दोनों मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। मेटाबॉलिज्म में समझे ब्रेकडाउन भी होगी और सिंथेसिस भी होगी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जो कैटाबॉलिज्म है उसके अंदर ब्रेकडाउन होती है, और जो एनाबॉलिज्म है उसके अंदर सिंथेसिस होती है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर दोनों चीजें होती हैं, एनाबॉलिज्म भी होती है कैटाबॉलिज्म भी होती है, ब्रेकडाउन भी होती है कंपाउंड्स की, सिंथेसिस भी होती है। अच्छा, तो ये कहता है जो कैटाबॉलिज्म है उसके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स बेटा के ब्रेकडाउन, उनके उनके अंदर लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, मतलब कैटाबॉलिज्म में जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है। अच्छा, जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन में जाहिर है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में और प्लस में हीट, और हीट भी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी जो रिलीज होती है वो कहां पे इस्तेमाल होती है? एनाबॉलिज्म में। बेटा एनर्जी जो रिलीज होती है वो कहां पे इस्तेमाल होती है? एनाबॉलिज्म में, क्योंकि एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है, उसके लिए एनर्जी चाहिए। अच्छा, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म केमिकल्स जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। बेटा मेटाबॉलिज्म में ट्रांसफरेंस होती है ठीक है, एंजाइम के जरिए, और उसको कैटलाइज कौन करेगा? एंजाइम, मतलब मेटाबॉलिज्म को जो कैटलाइज करता है वो एंजाइम है। अच्छा, तो बायोकैटलिस्ट एंजाइम स्पीड अप द एंड रेगुलेट द मेटाबॉलिक पाथवे, इसका मतलब है मेटाबॉलिक जो पाथवे होगा, जो मेटाबॉलिक पाथवे है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है एंजाइम। बेटा जो एंजाइम होगा वो रेगुलेट करेगा किसको? मेटाबॉलिज्म को। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ये स्पीड अप कर देते रिएक्शंस को, और रिएक्शन के दौरान चेंज नहीं होते हैं, मतलब वही बातें एंजाइम के बारे में जो कैटलिस्ट के बारे में, वो सेम बातें एंजाइम के बारे में भी हैं, कि भाई एंजाइम क्या करेंगे, रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और यूज नहीं होते ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो अनचेंज होते हैं ठीक है। और जिस पर एंजाइम एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सब्सट्रेट, अभी मैंने बताया था, जिस पर एंजाइम एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? सब्सट्रेट। और एंजाइम क्या करेगा? उन सब्सट्रेट को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील कर देगा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील करेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको। अच्छा, उसके बाद है बेटा एंजाइम वर्क कैसे करता है? देखो एंजाइम के बारे में जो अभी मैंने आपको थ्योरी बताई थी, दो थ्योरीज हैं, एक है की एंड लॉक थ्योरी। की और लॉक थ्योरी का मतलब है पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी, पर्टिकुलर जो एंजाइम होते हैं वो पर्टिकुलर सब्सट्रेट पे एक्ट करते हैं, मतलब जैसे पेप्सिन प्रोटीन पे, या जो है लिपिड्स पे, जो अमाइलेज है वो स्टार पे एक्ट करता है। तो इस तरह पर्टिकुलर जो एंजाइम्स हैं वो बेटा पर्टिकुलर सब्सट्रेट पे एक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि जो एंजाइम है जो लिपेज है वो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन कर दे, या जो लिपेज है वो प्रोटीन की डाइजेशन कर दे, प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस कर दे, या प्रोटीन पे कर दे, उसको कैटलाइज कर दे, ऐसा नहीं होगा। तो ये कहता है दो, मतलब एंजाइम वर्क कैसे करता है ये,
बेटा दो थ्योरीज हैं इसके बारे में, दो थ्योरीज हैं, एक की और लाख वाली थ्योरी है, एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल है एक। देखो बेटा दो थ्योरीज हैं इसके अंदर, एक है की और लॉक, जो लॉक ताला होता है और चाबी वाली थ्योरी है। तो कहते हैं व्हेन एंजाइम अटैच द सब्सट्रेट, जब एंजाइम अटैच होता है सब्सट्रेट के साथ तो क्या बन जाता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। बेटा एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम प्लस सब्सट्रेट क्या होता है, एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम और सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है और वो अनस्टेबल होता है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स अनस्टेबल होता है और फिर ब्रेकडाउन हो जाता है प्रोडक्ट में। बेटा देखो एंजाइम और सब्सट्रेट मिलेंगे आपस में तो एक एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनता है, एंजाइम और सब्सट्रेट दोनों कंबाइन हो जाते हैं, एक एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है जो अनस्टेबल होता है और वो ब्रेक डाउन होकर किसमें तब्दील हो जाता है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अब देखो एंजाइम प्लस सब्सट्रेट, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और फिर क्या हुआ, और ये अनस्टेबल है, ये टूट जाएगा किसमें, एंजाइम और प्रोडक्ट में, एंजाइम अलग हो गया प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग, और यही एंजाइम, ये बेटा यही एंजाइम दोबारा सब्सट्रेट दूसरे सब्सट्रेट के साथ मिलेगा और उसको पाए तकमील तक पहुंचाएगा। मतलब एंजाइम जो है बेटा यूज नहीं होते हैं रिएक्शन के दौरान। अच्छा, तो अब देखो एक था एंजाइम के बारे में जो मॉडल था वो जर्मन केमिस्ट ने दिया था, ईमल फिशर ने, ईमल फिशर ने क्या कहा था 1894 में, लॉक एंड की मॉडल। बेटा लॉक और की, लॉक और की का मॉडल दिया था, कहता है एंजाइम और सब्सट्रेट लॉक और की तरह होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सब्सट्रेट पजेस स्पेसिफिक शेप, मतलब एंजाइम और सब्सट्रेट की स्पेसिफिक शेप है, जिसकी उस शेप मिलेगी वो ही आपस में वर्क करेगा। मतलब वही है स्पेसिफिक ताले के लिए स्पेसिफिक चाबी होती है, उनकी शेप मिल जाती है। ठीक है, इसलिए ताला जो होता है वो खुल जाता है, तो इसके लिए है कि और वो फिक्स हो जाता है एग्जैक्टली उसके अंदर फिट हो जाता है, मतलब वो जो सब्सट्रेट होगा एंजाइम के अंदर जो होगा फिट हो जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर तस्वीरें भी दी गई हैं, इसको देखो बेटा ये है एंजाइम, ये बेटा एंजाइम है और ये सब्सट्रेट, ये बेटा एंजाइम है ये एंजाइम और ये क्या है सब्सट्रेट है, और जो सब्सट्रेट है वो देखो एंजाइम के अंदर फिट हो गया और ये क्या बन गया एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसके बाद इसके क्या हो जाता है ये सब्सट्रेट की ब्रेकडाउन हो जाती है प्रोडक्ट के अंदर, और एंजाइम देखो अलग हो गया, प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया। तो एक ये थ्योरी है जिसको क्या कहते हैं हम लॉक और की मॉडल, और दूसरा जो मॉडल था 1958 में दिया गया था अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल कोशलेन ने, डेनियल कोशलेन ने क्या कहा था इंड्यूस्ड फिट मॉडल वाला, मॉडिफिकेशन की थी इसने लॉक और की मॉडल के अंदर, क्या की मॉडिफिकेशन की, और दिया कौन सा मॉडल ये याद कर लो इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो बेटा डेनियल कोशलेन ने दिया था, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल कहता है इस मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट इज नॉट रिजिड, कहता है एक्टिव साइट जो होती है रिजिड नहीं होगी, जो एक्टिव साइट होगी एंजाइम की वो रिजिड नहीं होगी, वो फ्लेक्सिबल होगी, वो शेप बदलेगी, वो सब्सट्रेट के हिसाब से शेप बदल देगी। मतलब जो एंजाइम की एक्टिव साइट है जहां पे एंजाइम एक्ट करता है, बेटा एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है जहां पे सब्सट्रेट जाकर अटैच हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम की क्या है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट एंजाइम की, ये बेटा एक्टिव साइट है। अब ये कंप्लीट मैच नहीं कर रही है, ये एक्टिव साइट देखो एंजाइम की कंप्लीट सब्सट्रेट के साथ मैच नहीं कर रही है, मगर जब जैसे एंजाइम आएगा तो एंजाइम सब्सट्रेट जो था उसको मजबूर करेगा, सब्सट्रेट एंजाइम को मजबूर करेगा, इंड्यूस करेगा कि भाई अपनी शेप बदलो, और उसके बाद वो क्या हो जाएगा फ्लेक्सिबल है
एक्टोसाइड क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो शेप बदल देती है, शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और वो जो सब्सट्रेट होता है वो उसके अंदर फिट हो जाता है। तो ये इंड्यूस फिट मॉडल, ये क्या है बेटा, इंड्यूस फिट मॉडल है। और ज्यादा जो पब्लिसिटी मिली या ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली है उस इस थ्योरी को मिली है, इंड्यूस फिट मॉडल वाली थ्योरी जो है। तो ये क्या कहती है, कहते हैं एक्टोसाइट, जो एक्टिव साइट है इज नॉट रिजिड, रिजिड नहीं है। और उसके अंदर लॉक और की मॉडल में तो क्या था कि एक्टिव साइट रिजिड होती है, मगर इसके अंदर है कि एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, ठीक है। और इस थ्योरी को ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली किससे, लॉक और की मॉडल से। अब देखें तो बेटा दो थ्योरीज थी, देखो दो थ्योरीज थी, एक था लॉक और की मॉडल, ठीक है, जो पहले आया था और वो बताता है एंजाइम की स्पेसिफिक नेचर को। अच्छा, दूसरी जो थ्योरी है वो है इंड्यूस फिट मॉडल की। तो अगर एंजाइम, एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती है, ठीक है। और जैसे सब्सट्रेट आता है तो सब्सट्रेट एंजाइम को मजबूर करता है शेप बदलने के लिए, और जो एंजाइम है उसकी शेप बदल जाती है, एंजाइम की शेप थोड़ी, एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाती है, और वो जो सब्सट्रेट होता है उसके अंदर फिट हो जाता है और बन जाता है एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया बेटा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर्स पे जो एंजाइम पे एक्ट करते हैं, वही आपको देखो पहले बता चुका हूं, पीएच, बेटा पीएच इफेक्ट करती है, टेम्परेचर इफेक्ट करता है, सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है, तो अब फैक्टर्स हैं बेटा। अच्छा देखो फैक्टर्स, व्हिच इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, देखो तीन फैक्टर्स हैं मेनली जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, एक पीएच है, एक टेम्परेचर है, और एक सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा कहता है एनवायरमेंट भी फैक्टर है अपनी जगह पे, वो भी एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो पहले है बेटा टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बेटा, तो आपको मैंने बता दिया कि एंजाइम की जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बेटा, एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है, मगर उसकी जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है वो 30 से लेकर 40 तक होती है। देखो रेंज है ये बेटा टेम्परेचर की रेंज बताई गई है। अब देखो ये है, बेटा ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये एक्टिविटी है, टेम्परेचर और एक्टिविटी के दरमियान ग्राफ है। अब देखो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10, 20 है, 30, 40, 50, अब आगे जगह नहीं 60 तक बना लेता हूं मैं। ये ग्राफ है बेटा। तो जो मैक्सिमम एक्टिविटी देखेंगे आप लोग वो देखेंगे यहां पे, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखो जो एक्टिविटी है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम एक्टिविटी है ये एक्टिविटी, मैक्सिमम टेम्परेचर कौन सा 30,
37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और वैसे अगर टेम्परेचर थोड़ा 37 से थोड़ा कम है, मतलब यहां से लेकर ये देखो 30 और ये क्या है 40, मतलब 30 से लेकर 40 तक, मगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 37 है बेटा, 37 मैक्सिमम टेम्परेचर है, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सॉरी ऑप्टिमम टेम्परेचर के दो, ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिसपे उसकी एक्टिविटी जो होती है वो ऑप्टिमम होती है, ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो बेटा ये जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी देखो कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने से भी एंजाइम की एक्टिविटी देखो कम हो गई, टेम्परेचर कम होने से भी एक्टिविटी कम हो गई, तो इसका मतलब है एंजाइम की जो एक्टिविटी है जब टेम्परेचर लो होगा तब भी कम होगी, लो टेम्परेचर तब भी कम है, हाई टेम्परेचर तब भी कम है, और मैक्सिमम कहाँ पे है, ये बेटा मैक्सिमम है इस टेम्परेचर पे, मतलब बिटवीन 30 to 40, और मैक्सिमम कौन सी डिग्री है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो नॉर्मल जो होता है ना ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। मगर यहाँ इसके बाद आगे यहाँ ये जो कंडीशन है ये इसको क्या कर देती है, डी नेचर कर देती है, बेटा एंजाइम डी नेचर हो जाता है, एंजाइम क्या हो जाता है डी नेचर हो जाता है इस कंडीशन पे, और यहां पे इस कंडीशन पे क्या लो टेम्परेचर पे एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है बेटा, एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो समझें कि एंजाइम इनएक्टिव बन जाता है, इनएक्टिव बनेगा, डी नेचर नहीं होगा, अगर टेम्परेचर दोबारा बढ़ेगा तो एंजाइम अपना वर्क करना शुरू कर देगा, एंजाइम की एक्टिविटी बहाल हो जाएगी, ठीक है, मतलब टेम्परेचर दोबारा बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी बहाल हो जाएगी, मगर इस रेंज के बाद क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है वो कंप्लीटली डी नेचर हो जाता है, क्योंकि एंजाइम भी प्रोटीन है और हाई टेम्परेचर पे डी नेचर हो जाता है। तो ये ग्राफ दिया गया है, इसके अंदर भी देखो बेटा वही ग्राफ है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां से लेकर देखो बढ़ गया, और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होगी इसकी एक्टिविटी, देखो मैक्सिमम एक्टिविटी किस पे है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी और डी नेचर भी हो जाएगा एंजाइम, एंजाइम क्या हो जाता है डी नेचर हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने के, 40 से ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा जैसे ही, तो एंजाइम क्या होता जाएगा डी नेचर होता जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम है तो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो कम होती है, इनएक्टिव बन जाता है, मगर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो दोबारा वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर रिएक्शन तो स्पीड अप हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, मगर उसकी लेवल है बेटा, टेम्परेचर बढ़ने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, देखो बढ़ भी रही है मगर एक लेवल तक, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद दोबारा कम होने लगेगी। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट बढ़ेगा, एंजाइम का रेट बढ़ेगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, मगर ऑप्टिमम टेम्परेचर, देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे क्या होगा, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ऑप्टिमम, ठीक है, उसकी एक्टिविटी क्या होगी बेटा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसकी एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद दोबारा वापस कम होने लगेगी, ठीक है। तो इस तरह ह्यूमन जो टेम्परेचर है वो कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम है, और कुछ प्लांट के अंदर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एंजाइम जो है वो डी नेचर भी हो जाता है, जो एंजाइम होगा वो क्या हो जाएगा, डी नेचर होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी भी कम होगी, मगर एंजाइम डी नेचर नहीं होगा, ठीक है, इनएक्टिव बन जाएगा, और जब टेम्परेचर दोबारा अगेन बहाल होगा तो वो एक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये टेम्परेचर का इफेक्ट था, कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, देखो बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एंजाइम की एक्टिविटी पे, तो टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, और जब टेम्परेचर ऑप्टिमम लेवल तक आ जाता है तो एक्टिविटी भी इसकी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है एक्टिविटी, और उसके बाद अगर टेम्परेचर को हम राइज करेंगे तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी दोबारा कम होने लगेगी और एंजाइम डी नेचर होता जाएगा, एक्टिविटी कम होती जाएगी। अच्छा, इसके अंदर बताया भी गया है कि एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है बेटा, जो एंजाइम है ग्लोबुलर प्रोटीन है,
और ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। कहते हैं एंजाइम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, और उसके बाद क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाते हैं वो हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे वो क्या हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं। तो बस यहां तक है, और इंशाल्लाह बाकी जो देखेंगे कल